विजय वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स विद विजय मी माय डियर फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन ब्रेन। हम ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पहलू पे अपना चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने सीखा कि ह्यूमन ब्रेन और ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट वर्क्स एज द कंट्रोल और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। वी हैव डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग से पहलुओं पे डिस्कशन की है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज इस पहलू पे मैं बात करूंगा, वो है द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। मैं आपको सबसे पहले बात बताना चाहूंगा कि इससे पहले आपने जो वेंट्रिकल वर्ड है वो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हमने ह्यूमन हार्ट स्टडी किया था तब आपके साथ डिस्कशन किया था। वेंट्रिकल ह्यूमन हार्ट में जो लोअर टू चैंबर्स हैं उन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। तो ह्यूमन हार्ट में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? टू, और वो भी लोअर चैंबर्स। ओके, कैविटीज हैं वो भी। यहां पे भी वो कैविटीज हैं। ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं, ह्यूमन ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर फोर इन नंबर, चार वेंट्रिकल्स हुआ करते हैं बेटा, फोर वेंट्रिकल्स आते हैं, रिप्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ओके, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से वेंट्रिकल कहां पे पाए जाते हैं। सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ पिक्चर और डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वेरियस वेंट्रिकल्स। आप देखिए पहले पिक्चर में सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, मैंने कल भी बेटा बात की थी आपसे, these are the two cerebral hemispheres, okay, ऐसे cerebral cortex, then cerebral medulla जो myelinated nerve fibers का बना होता है, cerebral cortex जो grey matter का बना होता है, second part of the neurons are concentrated there, इसके बीच में जो cavities है these are called the lateral ventricles, this is the lateral ventricle, okay, one is the right lateral ventricle, one is left lateral ventricle, I can say right lateral ventricle, aap dhyan se dekhiye, this is called the ventricle number 1 and this is called the ventricle number 2, you can say the numbering for anyone, ventricle. So these are the lateral ventricle, right and left lateral ventricle. So ये cerebral hemispheres हैं। आप ध्यान से देखिए बेटा, आपकी पिक्चर में ये है cerebral hemisphere. There are two cerebral hemispheres and they have the two what ventricles or lateral ventricles. And these are also called the paracenes. This is one paracene and this is another paracene. Mean लेटरल वेंट्रिकल को पैरासीन भी कहा जाता है, PARACOEL। आपने पिक्चर में देखिए मैंने वहां पे लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड लेटरल वेंट्रिकल्स दे आर प्रेजेंट इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ओके, ये दोनों जो है आप देखिए वो वहां पे ब्लू कलर में है, दोनों एक कॉमन पॉइंट से, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं डायग्राम को आपके लिए, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से ओपन करते हैं कहां, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल में। ये जो कॉमन ओपनिंग है इट इज कॉल्ड फोरामिन ऑफ मोनरो, फोरामिन ऑफ मोनरो, बता रहा हूं आपको, फोरामिन ऑफ मोनरो से थर्ड वेंट्रिकल में एंटर करते हैं, और जो थर्ड वेंट्रिकल है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, डायएन्सेफेलॉन पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, डायएन्सेफेलॉन पार्ट में। देखिए आप, थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन द डायएन्सेफेलॉन पार्ट। ओके, और क्लियर है, फोरामेन मोनरो से वो ओपन कर देता। उसके बाद जो डायएन्सेफेलॉन है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, वो मिड ब्रेन से कैसे जुड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ इटर, और आइटर और इटर रीजन से ITER, और फिर वो एंटर कर जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और वहां पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है, कहां पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन।
fourth entity is present there. Clear beta? So you can see on your screen also, apni screen pe aap dekh sakte hain, two lateral ventricles are present over or present in the first or in the two, I can say simply in the two cerebral hemispheres. Dekhiye wahan pe hai foramen aur Monroe se, वो थर्ड वेंट्रिकल जो डायएन्सेफलॉन है वहां पे एंटर करेगा, फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट और हीटर जिसे आप कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, इसके द्वारा वो कहां पहुंच जाएगा, कहां ओपन करेगा, मेडुला ऑब्लॉगेटा में. मैं लिख देता हूं सेरेब्रल एक्विडक्ट, सॉरी डीयूसी, ठीक है. और फोर्थ जो वेंट्रिकल है वो मेडुला ऑब्लॉगेटा में प्रेजेंट होता है. और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो आगे कहां, जो सेंट्रल कैनाल है, किस चीज का, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ओपन करता है. तो देख सकते हैं कि जो कैविटीज है ब्रेन की वो स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी के साथ कंटिन्यूअस होती है. इज इट क्लियर ऑर नॉट? वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू स्टेट हियर, दीज फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स, दे आर कवर, देयर लाइनिंग इज कवर्ड विथ स्पेशल लेयर ऑफ सेल्स, एंड ऑल्सो द फोर्थ वेंट्रिकल इज कवर्ड विथ दिस स्पेशल लेयर ऑफ सेल. दिस स्पेशल लेयर ऑफ सेल इट इज कॉल्ड एपेंडिमा और एपेंडाइमा. हेयर ऑल्सो एपेंडाइमा. क्लियर है बात? तो दिस इज द व्यू ऑफ द ह्यूमन ब्रेन वेंट्रिकल्स. ये ह्यूमन ब्रेन वेंट्रिकल्स आपको मैंने बताया. तो 1, 2, 3 एंड 4 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं. अलग अलग से व्यू आपको दिखाना चाहूंगा. दिस इज द एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. सी देयर आर द लेटरल वेंट्रिकल्स, ये साइड व्यू में आपको दिखाई दे रहे हैं. एक लेटरल वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है, दूसरा दूसरी तरफ को होगा, तो दो लेटरल वेंट्रिकल आप देख सकते हैं. उसके बाद डायएन्सेफलॉन पार्ट, उससे नीचे थर्ड वेंट्रिकल उसमें होता है. एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वस के द्वारा वो फोर्थ वेंट्रिकल में एंटर करता है जो कि मेडुला ऑब्लॉगेटा पार्ट में होता है. इज दिस क्लियर है ना बेटा? दिस इज वन मोर व्यू ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन, having the lateral ventricle, the third ventricle and the fourth ventricle in the different slides of the MRI. MRI की अलग अलग magnetic resonance imaging, जिसे MRI कहते हैं, उसकी अलग अलग से slides में आपके सामने ला रहा हूं. तो आप देख सकते हैं right lateral and the left lateral ventricles आपको देख रहे हैं. lateral ventricle first slide में देखें, जो पहला view है उसमें lateral ventricle, third ventricle, fourth ventricle वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. उसके बाद जो सेकंड जो व्यू है उस स्लाइड में वो राइट लेटरल वेंट्रिकल का और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल का है. उसके बाद आप देख सकते हैं बेटा जो वेरियस जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो आपको जैसा मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया वो एमआरआई के अंदर कैसे दिखाई देते हैं उसका मैंने आपको एक व्यू दिया है. क्योंकि ब्रेन के इंटरनल पार्ट को स्टडी करने के लिए हमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करना पड़ता है, एमआरआई करना पड़ता है. सुना होगा आपने एमआरआई के बारे में, एमआरआई. तो इट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. सी दिस इज द वन मोर व्यू ऑफ द वेरियस वेंट्रिकल्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इट इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की चर्चा का विषय था वेंट्रिकल्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन. मैं धीरे धीरे करके एक एक करके आपके सामने ह्यूमन ब्रेन के एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं. अगली चर्चा में हम डायएन्सेफलॉन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये चर्चा में लाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स विद विजय को सब्सक्राइब करें और श्योरली प्रेस द बेल आइकन. जो एड्रेस है वो आपके सामने दिया हुआ है, आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको नई से नई नोटिफिकेशन मिलती रहे. टिल द नेक्स्ट डिस्कशन, वाई टू ऑल, थैंक्स अ लॉट.